बात दंतेवाड़ा की करेंगे, जहां एनएमडीसी की किरंदुल और बचेली परियोजना में कार्यरत ठेका मजदूरों के घर इस साल दिवाली नहीं मन पाएगी क्योंकि अब तक उनको बोनस नहीं मिला है, जिसको लेकर मजदूर संगठन में नाराजगी है। परियोजना प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से नाराज ठेका मजदूरों ने एनएमडीसी सीआईएसएफ चेक पोस्ट में चक्का जाम कर दिया और काम ठप कर धरना प्रदर्शन किया। दीपावली के त्यौहार को लेकर दमकल विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जबलपुर में दमकल विभाग ने कर्मचारियों की ड्यूटी को बढ़ा दिया है। त्यौहार के मद्देनजर अब 6 घंटे की जगह कर्मचारियों को 12 घंटे काम करना होगा। सभी कर्मचारियों को 2 पालियों में बांटा गया है। दीपावली के लिए खास तौर पर तमाम दमकल वाहनों को तैयार किया गया है। अग्निशमन अधिकारियों का कहना है कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में अग्नि हादसे होते ही हैं। इनसे निपटने के लिए जबलपुर नगर निगम ने भी अपनी खास तैयारी कर रखी है। इस वक्त मैं दमकल विभाग में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो दमकल वाहन हैं वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और इस त्यौहार में अग्निकांड होते हैं क्योंकि आतिशबाजी होती है कई जगहों पर। सघन इलाकों में आतिशबाजी की वजह से हर साल अग्निकांड होते हैं, तो ऐसे हादसों से निपटने के लिए दमकल विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की गई हैं हम उनसे ही जानेंगे। चूँकि जबलपुर में हाल ही में भी कल एक घटनाक्रम हुआ था जहाँ पर एक दुकान में आग लग गई थी, और दीपावली के त्यौहार में हादसे तो होते ही हैं, क्या विशेष तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई है? विशेष तैयारी हमारी ओर से ये की जाती है कि जो हमारे कर्मचारी है वो 3 शिफ्ट में काम न लेके हम 2 शिफ्ट में लेते हैं 12-12 घंटे का, जिसमें हमारा अमला बढ़ जाता है। इसके अलावा हमने टैंकर भी उपलब्ध है हमारे पास पंप वाले, कहीं कोई अगर विशेष ना हो, ऊपर वाला ना चाहे, मगर कहीं कुछ होता है तो अग्निशमन दल विभाग का हर एक कर्मचारी तैयार है। सघन इलाके चूँकि जबलपुर में काफ़ी हैं और घनी बस्तियाँ होती हैं, तो फिर वहाँ पर किस तरीके से निपटने की तैयारी आप? हमारे पास 2 छोटे वाहन हैं, 2 छोटे वाहन को स्टैंड बाई करके उनमें रिफिलिंग करके उसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। कितने वाहन हैं अभी अपने? टोटल हमारे पास 12 वाहन हैं। ज़रूरत है क्योंकि हर बार ये बात उठती है कि वाहनों की कमी है शहर में। अब शहर में कमी है, मगर वो देखिए हो सकता है पूर्ति हो जाए आने वाले समय में। बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि वाहनों की कमी है, लेकिन फिर भी दमकल विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह के हादसे ना हो, क्योंकि जबलपुर ज़िले में भी अग्निकांड को लेकर कई तरह के बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों ने जान गंवाई है। अब ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए ज़रूरत यह है कि जहाँ एक तरफ दमकल विभाग तैयार है, वहीं ज़रूरत इस बात की भी है कि आप भी सजग रहें, आतिशबाजी को बड़े ख्याल से जलाएं, घर में अगर दीप जलता है तो उसे भी व्यवस्थित जगह पर रखें, अग्नि हादसे ना हो इसके लिए आप खुद भी तैयार हों। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। खरगोन जिले के सोयाबीन खेत में तकरीबन 8 फीट का लंबा अजगर मिला। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण कृष्णकांत पाटीदार उनके खेत में अजगर दिखाई दिया है, जिसको देखकर वो उनके साथ खेत में काम करने गए मजदूर घबरा गए, जिसके बाद पाटीदार ने खेत में अजगर सांप होने की सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीण की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और थैंक यू नेचर मंडलेश्वर की टीम ने 12 किलो वजन और 8 फीट अजगर को पकड़ा, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ये एक अजगर है, ये सुबह से श्री कंबल का अपने कृष्णकांत पाटीदार के खेत में था, सोयाबीन की फसल के अंदर मजदूर काट रहे थे सोयाबीन, तो वो डर के मारे काट नहीं रहे थे, तो उनके द्वारा सूचना दी गई मेरे को, तो मेरे द्वारा मोबाइल से मतलब थैंक यू नेचर टीम को सूचना दी गई और स्थानीय